इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस को अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसके अंदर हम लोग स्पेस के स्टैंडर्ड्स भी देखते हैं अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए यू डी स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखी है दिस स्टैंडर्ड्स मैंडेट्स दैट एंट्री परमिट्स बी रिक्वायर्ड बिफोर एम्प्लाईज़ आर अलाउड टू एंट्रोटेंशलिंग कि यहाँ पे एम्प्लाई जो एंटर हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी फर्जर बिल्डिंग में तो वहाँ पे एम्प्लॉ को परमिट कर रहे हैं जाने के लिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हर एम्प्लॉ का दाखला वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है प्रोहिबिटेड है वहाँ पे तमाम एम्प्लॉ के एक्सेस नहीं होते फर्जर ये देखा गया है कि वहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि दिस मीन्स दैट एन एम्प्लॉई मस्ट हैव अ रिटर्न परमिट टू एंटर अ कन्फाइंड स्पेस बिफोर द परमिट इज़ इशूड अजर अ सेफ्टी अल्थ प्रोफेशनल अ सम अदर डेजिगनेटेड इंडिविजुल फॉलोइंग इससे पहले कि कोई इम्प्लाई को आप ड्यूटी दें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें या इजाज़त दें कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पर दाखिल हो जिसमें दाखिला हर शख्स के लिए आसान ना हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जेन में रखना लाजम है वो ये हैं आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कन्फाइंड स्पेस स्टैंडर्ड शट डाउन इक्विपमेंट पार टेस्ट द एटमोस्फियर वेंटिलेट द स्पेस है सोनल स्टैंड बाय मेंटेन कम्युनिकेशन डी एस फोर हंड्रेड गैस डिटेक्टर ये एग्जाम्पल है यहाँ पे उसका पिक्टोरियल इफेक्ट है यहाँ पे बेसिकली डी ए स्टूडेंट्स बताया क्या गया है या बताना क्या हम चाहते हैं हम ये बताना चाहते हैं कि वी हैव टू शट डाउन एकमेंट प्रॉपरली जब आप कोई शख्स किसी को वहाँ पे एंटर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एटमोसफियर को प्रॉपर टेस्ट करें स्पेस के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन अवेलेबल है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मुख्तल किस्म की गैसेस जमा हो जाएं, वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद नहीं है उनके बाहर निकलने का प्रॉपर वहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं और वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाएँ ये पॉइंट मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है। रेस्क्यू पर्सनल स्टैंड बाय कि वो पर्सनल जिन्होंने किसी बंदे को रेस्क्यू करना है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वो स्टैंड बाय हैं या नहीं हैं अल्लाह ना करे कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है देर मस्ट बी सम वन हु मस्ट रेस्क्यू दैट एम्प्लॉ अगर वो शख्स ही अवेलेबल नहीं है तो वहां पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने के चांसेस हैं मेंटेन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का प्रॉपर मैकानिज़म हर बंदे के साथ रहना चाहिए अगर कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस का प्रॉपर रबता नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देर इज़ द गैप बिटवीन इम्प्लाई एंड सुपरवाइजर केस ऑफ एनी एमरजेंसी सिचुएशन एम्प्लॉ कैन ईजीली एक्सेस टू हिस्स हर सुपरवाइजर ताकि वह बंदा उसकी हेल्प को वहाँ पहुँच सके अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट है तो उसके हवाले से कुछ पॉलिसीज़ होती हैं पॉलिसी डी स्टूडेंट्स हम कहते हैं जनरल गाइडलाइन विच हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल उसे पॉलिसी कहते हैं और वो जो जनरल गाइडलाइन है वो हम किस की बात करने लगे हैं कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट की बात करने लगे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है द पॉलिसी शुड कवर एट लीस्ट द फॉलोइंग एरियाज ऑफ कंसर्न अगर आप कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट की अच्छी पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को उसमें एड्रेस करें इनके आंसर तलाश करें अगर इनके आंसर आपकी कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट पॉलिसी का हिस्सा हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल हाइजीन और कन्फाइंड स्पेस के इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे नंबर वन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है सुपरवाइजर जनरल मैनेजर मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सी जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशनल हरकी का बायस बनते हैं क्या वो सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से फहमीलियत हैं क्या वो तमाम लोग अपने आप को इम्प्लई की जगह पर रख के सोचते हैं अगर वो अपने आप को इम्प्लई की जगह पर रख के सोचते हैं ऑटोमेटिकली आपकी कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर फ्लाज एग्जिस्ट नहीं करेंगे सेकंड, ट्रेनिंग ऑफ आल एप्लीकेबल फॉर जितने भी आपके इंप्लाइज हैं उनको आपने ट्रेन करना है ट्रेनिंग क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो ही और शी कैन परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इन अ बेटर वे इसे ट्रेनिंग कहते हैं अगर आप इम्प्लॉय को ट्रेन कर दें नॉलेज डिसमिनेट कर दें इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वो एम्प्लॉ को मालूम होगा कि वट द रिएक्शन ही और शी शुड बिहेव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन अराइज हो जाती है तो वहां पर इंसानी जान के ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाएंगे वाई बिकॉज दैट एम्प्लॉय हैज़ ऑलरेडी गॉट द ट्रेनिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसिडेंट्स थर्ड परमिटिंग प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर है वो परमिट करें अलाउ करें ताकि बाकायदा एम्प्लॉज में उसकी ट्रेनिंग हो अवेयरनेस हो नॉलेज हो एग्जीक्यूशन करें उसकी दो चार दफ़ा रिहर्सल करें ताकि वो एम्प्लॉज उस चीज़ से फेमिलियस हो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन वट द रिस्पॉन्स हैव टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दे शुड द बिल्डिंग बिल्डिंग को उन्हें फौरन खाली करना चाहिए बिल्डिंग खाली करने के लिए दो चार पाँच जगहों के ऊपर एमरजेंसी डोर होने चाहिए इन केस ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशन दो एमरजेंसी डोर मस्ट बी ओपनड जब ओपन हो जाए तो वहाँ पर फौरन वो इम्प्लाई एग्जीक्यूट करके वहाँ पे जो इम्प्लाइज़ हैं उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करके वहाँ से क्विट कर सकें इस तरह वो तमाम इम्प्लाइज अपनी जान बचा सकते हैं वर्क टीम रिक्वायरमेंट एक बंदे का ये काम नहीं है ये टीम एफर्ट्स है और टीम एफर्ट्स प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस एच अकाउंट्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में अलहदा से ये टीम्स होंगी जो स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ को देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट की पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स हैं डी स्टूडेंट्स टॉक्सिक एंड हैजर्ड मटेरियल के लिए जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं नाइन ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू स्पेसिफिक मटेरियल फोर ऑफ स्टैंडर्ड्स ब्रॉडन एप्लीकेशन नो स्टैंडर्ड्स हैं चार के ब्रॉड एप्लीकेशन हैं बाकी जो पांच हैं उनकी ब्रॉड एप्लीकेशन नहीं हैं और माइनोरिटी लेवल पे वो भी कन्फाइंड स्पेस को यूटिलाइज करने में हेल्पफुल का बायस बनते हैं द स्टैंडर्ड्स अप्लाइंग टू स्पेसिफिक आर एज फॉलोज डी स्टूडेंट्स ये पिक्टोरियल इफेक्ट्स है यहाँ पे नाइन स्टैंडर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं इनको बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे सिर्फ इनके नाम यहाँ बयान किए गए हैं जैसा कि पहला स्टैंडर्ड्स है वन ओ वन गैसेस वन ओ टू वन ओ थ्री हाइड्रोजन वन ओ फोर ऑक्सीजन नाइट्रो ऑक्साइड डिप टैंक्स ये जितनी भी एग्जाम्पल दी गई हैं यहाँ पे अगर देखा जाए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग एजेंट्स आहिड्रोस एमोनियम यहाँ पे इनकी मैं बात कर रहा था कि ये नाइन स्टैंडर्ड्स हैं और ये उनकी आगे स्पेसिफिकेशनस है कि ये स्टैंडर्ड इसको डील कर रहा है इसी तरह फर्ज करें ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड है तो वो ये स्टैंडर्ड्स है आप इसकी डिटेल गूगल में देख सकते हैं लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स यहाँ बयान किए गए हैं इन सब का ताल्लक़ एक टॉपिक के साथ है और उसका नाम है कन्फाइंड स्पेसेस। अगर इन स्टैंडर्ड्स के प्रॉपर एस ओ पी बना के कन्फाइंड स्पेसेस को मैनेज कर लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल हाइजीन और कन्फाइंड स्पेसिस के इश्यूज़ पैदा नहीं होंगे